प्रदीप गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ। प्रदीप गुप्ता जी, आप तो 400 पार बता रहे थे और आज कह रहे हो मैंने 500 के सैंपल लिया था, तो क्यों लिया आपने 500 का, ज्यादा सॉरी 500 का, 5 लाख का लिया था, ज्यादा ले लेते तो आप क्या माहौल बनाने के लिए बैठे थे क्या भारतीय जनता पार्टी का? क्या आपने भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आप मिलकर बीजेपी का एग्जिट पोल दिखा रहे थे क्या? आप कह रहे नहीं नहीं 60 सीटें कम रहेगी, अरे 60 सीटें कम होती है क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप भी प्रदीप जी, और आज आप आके कहते हो कि नहीं नहीं हम रोने लग गए। आप क्यों रोने लगे? बीजेपी हार रही इसलिए रो रहे हैं क्या? किस बात की तकलीफ है आपको? बीजेपी की हारने की तकलीफ है क्या, बता दीजिए आप। अनुराग जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, मैं आप मेरी बात सुन लीजिए, अपनी समझिए। यदि 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 ऐसा होता तो तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से लेकर तमाम। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने तो 400 पार कर दिया था, आप तो यही जवाब दे रहा हूँ। कहाँ जवाब दे रहा हूँ, आप तेलंगाना भाग रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ राष्ट्र की बात, यही जवाब लोकसभा की बात पूछ रहा हूँ। आपने लोकसभा में 400 पार बीजेपी को किया था, उसका जवाब दीजिए आप, तेलंगाना मत जाइए आप। मैं उस आपने जो कहा कि बीजेपी का माहौल बनाने के लिए ये किया था क्या, तो क्या जब हमने कांग्रेस या विपक्षी पार्टी को जीतते हुए दिखाया था एग्जिट पोल में, तो क्या उस समय उनका माहौल बनाने के लिए किया था? आप इसको इस तरह से लेते हैं एग्जिट पोल को, थोड़ी सी मैं एग्जिट पोल बड़ा को इस तरह से लेता हूं, बड़ा दिल कीजिए, थोड़ा सा बड़ा दिल कैसे कर लूं आप? नहीं, बड़ा दिल कैसे, आप पूरे राष्ट्र को गुमराह कर रहे हो, कह रहे मैं बड़ा दिल कर लूं। आपने कितने लोगों का फायदा पहुंचा दिया इस बार में? हमने क्या कहा था, ये 400 पार इसलिए दिखाया जा रहा है जिससे शेयर मार्केट बढ़ जाए, जो बीजेपी के कुछ लोग हैं अपना शेयर मार्केट में पैसा कमा ले, उसका माहौल आप बना रहे थे क्या? क्या अनुराग जी, आप अपनी गलती को मानिए, सुन लीजिए, आप गलती को मानिए कि आप इस तरह के बोल देते हैं जिससे राष्ट्र में लोगों में गलत में भी फैलती है। तो आपने इतना बड़ा ये आप इसको मानिए अपनी गलती को, आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, बस अनुराग जी सुन लीजिए। पहले आपने कहा बीजेपी का माहौल और बाद में फिर कहा आपने स्टॉक मार्केट का माहौल। देखिए दो चीज आप बदल रहे हैं अपनी बात से। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारी गलती हुई है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में, आप वापस वहीं पर ही जा रहे हैं। मैं पहले कह चुका हूँ इस बात को, उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना यूपीटी है, शंख बजाते हुए और जश्न मनाते हुए महाराष्ट्र में अपनी परफॉर्मेंस से महाविकास आघाड़ी में उत्साह है इस वक्त। और जल्दी से राजीव रंजन जी, सबकी नजरें आपकी पार्टी पर टिकी हुई है, देखिए आप पर कितना भरोसा करें, कितना भरोसा करें, और आपको अपने नेता पर कितना भरोसा, ये भी बता दीजिएगा। पूरा भरोसा है और भरोसा तो जनता ने किया है। नीतीश कुमार जी की करिश्माई छवि एक बार फिर बिहार की जनता ने यकीन किया है, अपना आशीर्वाद दिया है और ये साबित किया है कि जिस अलायंस के वो चेहरे होते हैं उसको बिहार की जनता आंख मूंद कर अपना आशीर्वाद देती है, पहली बार। दूसरी बात, देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बनने वाली सरकार है, भारत हिंदुस्तान की आजादी के बाद भारत के संसदीय इतिहास की असाधारण घटना है, इसे स्वीकार करना चाहिए। और ये जनादेश का सम्मान अगर आप नहीं करना चाहते, जोड़ तोड़ के लिए कभी नायडू का नाम लीजिए, कभी नीतीश कुमार जी का नाम लीजिए, आपकी ट्रेन उसी समय छूट गई थी अवैध में थी, जिस दिन आपके अहंकार की वजह से इंडिया बनने के पहले बिखरने लगा था, इसलिए कि इसके तो सुजग नीतीश कुमार जी। अरे राहुल गांधी, आपसे डायरेक्टली पूछती हूँ सर, राहुल गांधी संविधान लेकर आए थे पीसी में और संविधान बचाने की सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल रहे हैं, तो क्या कीजिएगा? देखिए, ना संविधान को खतरा है ना लोकतंत्र को खतरा है। जो लोग जो जोड़ तोड़ से जनादेश बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र के लिए चुनौती बन रहे हैं, इसीलिए ऐसे जोड़ तोड़ के बजाय इस जनादेश ने दोनों के लिए संदेश दिया है। जोड़ तोड़ क्या मतलब, फोन आ चुका है क्या नीतीश बाबू को? जी फोन आया क्या? आप कह रहे हैं जोड़ तोड़ करने की बात, तो क्या फोन आ चुका है क्या नीतीश बाबू को? देखिए, एक इस बात को यकीन के साथ मैं आपको कह सकता हूं, एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी हैं और सरकार में शामिल भी हम लोग होंगे। 5 वर्षों का जो रोड मैप है उसमें हम मिलकर के जो जनता से किए वायदे हैं उनको पूरा करेंगे। किसी जोड़ तोड़ की योजना पर अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या पूरी इंडिया, अगर ये लोग किसी योजना पर काम करते हैं तो मुंह की खानी पड़ेगी। ये बड़ा जनादेश,
एक तरफ 231 खानी पड़ेगी वो बोल रहे हैं मृत्युंजय जी। उसके बाद से मैं आ रही हूँ, वाजपेयी जी आज बहुत खुश है क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है चिराग पासवान का बिहार में। ये तो चुनाव परिणाम भले आए हो लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल अंत नहीं हुआ है। अभी आने वाले दिनों में अभी तक तो चार ही मिला है रुझान। अभी चार मिला है तो कंधा देने के लिए चार ही काफी है, ये आप जान लीजिए। तो जिस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े मजबूती के साथ तो उसका परिणाम भी दिख रहा है। परिणाम भले आज बीजेपी कह रही हो कि एनडीए के साथ हम सरकार बनाएंगे, अगर बीजेपी को 272 प्लस होता तो आज यही राजीव जी जेडीयू वाले बाकी सहयोगी दल जो है वो चिंता में रहते कि सरकार में लेंगे नहीं लेंगे, कितना देंगे। एक दो संख्या मांग रहे थे आदर नीतीश जी, पिछली बार एक दिया गया था। अभी खेल होगा और आदरणीय नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा विश्वास है, गांधी जी के विचारों पर चलने वाले हैं। एनडीए की सरकार बन रही है, सब ज्ञान देकर अब क्या फायदा है? बन रहे हैं तो सरकार को जाने में कितने दिन लगेंगे ये भी आप देखिएगा। अच्छा, नीतीश बाबू अनरिलायबल है, बिगड़ेंगे। वाजपेयी जी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में जश्न मन रहा है, सरकार बन रही है एनडीए की, स्पष्ट जनादेश नहीं है। आपकी पार्टी का भी 5 सीटों वाला योगदान है। नीतीश बाबू साथ रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू साथ रहेंगे? देखिए नीतीश बाबू ने तो अभी पब्लिक रैली में कई बार ही अनाउंस किया है मोदी जी के सामने कि भाई हम तो आपके साथ ही अब नहीं जाएंगे। ये तो उनको खुद ही वर्डिंग है, तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना उनकी बात पे। मानते हैं आप? हम मान रहे हैं कि नहीं जाएंगे, वो जाने का सिलसिला नहीं बनेगा। नंबर वन, और कहां चिराग पासवान ने आज फिर हनुमान बताया आपने, हनुमान कभी नहीं जाएगा, हनुमान नहीं जाएगा, गारंटी दीजिएगा। वाजपेयी जी ठीक कह रहे हैं, नीतीश बाबू ने कई बार ऐसा कहा, कई बार कई लोगों के लिए कई मौके से कहा। उनकी फंसे हैं वाजपेयी जी, वाजपेयी जी काहे फंसे हैं? के द्वार खुले हुए नहीं, हम ये तिवारी जी फिर डोरा डालना शुरू कर दिए खुले। सुधांशु जी सिर्फ एक लाइन का जवाब आपसे चाहती हूँ, एक लाइन का। जीत आपको मिली है, आपकी सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिलना, ये क्या कह रहा है, इस पर एक लाइन का जवाब। देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है, भारत के इतिहास में ऐतिहासिक। और एक लाइन कह दूं, भदौरिया जी बहुत बोल रहे थे प्रदीप गुप्ता से, तो अभी अखिलेश जी बोले थे कि मेरा पर्सनल सर्वे की 79 सीटें आ रही हैं, तो किसको बेवकूफ बना रहे थे, जनता को या कार्यकर्ताओं को? पहले बोलो ना कि हमारा जो पर्सनल सर्वे था या तो गलत था या वो औंधे मुंह गिरा। 95 सीटें कही थी इंडिया गठबंधन को, लेकिन सब अपना भूल जाते हैं, दूसरे का याद दिलाते हैं, ये सबके लिए लागू होता है।